नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम गपशप में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज गपशप कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे, 1977 बैच के आईएएस अधिकारी रहे, असम कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। उस दौर में उन्होंने एक डीएम के रूप में काम किया जब छात्र आंदोलन असम पर चरम पर था। वहाँ पर वो एक जिलाधिकारी के रूप में काम किए। बाद के दिनों में वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में वित्त मंत्रालय में वो मनमोहन सिंह के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया। फिर 1992 से लेकर 2013 तक वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े रहे, अमेरिका में रहे। वो भारत सरकार ने इनको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने, इनके पास लंबा अनुभव। फिर वो बिहार लौटे तो अपने गांव को लौटे, और गांव भी ऐसे जगह पे जहां जिसकी ऐतिहासिकता को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया। तो इनके लिए भी, उस जगह के लिए भी गौरव की बात है कि ये जिस इलाके से आते हैं वो गांधी से जुड़ा हुआ इलाका है, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ इलाका है, और उस इलाके में वो वापस लौटते हैं वाशिंगटन से, और कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं, खास करके लड़कियों की शिक्षा को लेकर, लड़कियों को कैसे एजुकेट किया जाए इसको लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी समझदारी से और बढ़ रही है कि भाई बिना बुनियादी बदलाव किए हुए चीज़ें नहीं बदल सकती हैं, और बुनियादी बदलाव करना है तो सिस्टम में शामिल होना पड़ेगा, सिस्टम के साथ दो हाथ करने पड़ेगी। तो अब चुनावी राजनीति में आने की बात सोच रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और ये तो जबरदस्त चुनौती है कि एक आईएएस अधिकारी जो पिछले 4-5 वर्षों से गांव के बदलाव की बात कर रहा है, तालीम की बात कर रहा है, अब उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि बिना राजनीति में, व्यवस्था में बदलाव किए हुए चीजें बदल नहीं सकती। क्योंकि सब देश दुनिया की राजनीति को भी समझने हैं एक ऐसे, क्योंकि उनके पास उस तरह की समझदारी भी है, देश किस इकोनॉमिक हालात में है, उससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर गाँव में जो उनका लौरिया में जो काम चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ राजनीति में आने की जरूरत नहीं क्यों पड़ी राजनीति, क्योंकि इस सियासत को तो कहा ही जाता है कि भाई इसमें अच्छे लोगों की गुंजाइश नहीं है। तो ये सीधे तौर पर इस राजनीति में कैसे आने की बात सोचें, उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं होदा जी, जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम इतने समय से उनका परिचय हम आपको दे रहे थे। अब सवालों का इनसे सिलसिला हमारा शुरू होगा, और शुरुआत हम इनके प्रशासनिक अनुभवों के साथ देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को लेकर करेंगे। फिर हम आगे सवाल दर सवाल आगे बढ़ते हुए फिर इस चुनावी राजनीति में क्यों आना चाहते हैं इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, बहुत सारे प्रयोग हुए इस दौरान, क्या लगता है क्या वजह रही जो आज देश के इकोनॉमिक स्थिति इस स्थिति में पहुंच गए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने का, आपसे बैठ के बात करने का मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक स्थिति जो हमारे देश में है आज गंभीर है, इससे हम लोग को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो जीडीपी के आंकड़े आए थे कुछ दिन पहले, -24% 23.9% है, और कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि उसमें जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो गिरावट आई है आर्थिक गतिविधियों में, वो जितनी कम हुई है वो ये नंबर नहीं दर्शाते, और अगर उनको सच्चाई से दिखाया जाए तो वो करीब आंकड़ा 20-30-32% पे जाके आते हैं। तो आपका सवाल बहुत ही स्वाभाविक है कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। देखिए, हमारी जो जीडीपी है या जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, पिछले 4 साल से गिरती आ रही है, ये नहीं कि शुरुआत अभी हुई है। ये शुरुआत हुई है 2016 से, और हर साल कुछ ना कुछ गिरावट आती जा रही है। मेरा मानना है, बहुत विशेषज्ञों का मानना है, कि जो पहला चोट लगा आर्थिक हमारे स्थिति को वो नोटबंदी थी। नोटबंदी से हमारी जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक गतिविधियां थी, खास करके जो छोटे और मध्यम उद्योग थे या जो असंगठित क्षेत्र थे, जो नकदी व्यवहार पे काम करते थे, उन पे बहुत गहरा चोट लगा, और उस वक्त से दर गिरना शुरू हुआ। अभी हम इससे उभर के अभी आए ही नहीं थे कि जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी एक अच्छा टैक्स तंत्र है,
पर जिस तरह से लागू हुआ हमारे देश में, मैं समझता हूं उसमें बहुत सारी खामियां थी, वो ठीक से लागू नहीं आया। जितने नंबर हैं रेट्स के, अमूमन 2-3 रेट्स रहते हैं हमारे यहाँ, 5-6, और उनका जो ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट, नौकरशाही की जो कागजात वगैरह की जो इन लोगों ने उसमें कंडीशंस डाले, इससे बहुत भारी चोट पड़ा फिर से जो हमारे मध्यम या लघु उद्योग हैं या जो असंगठित क्षेत्र हैं। और ये सब जो मध्यम और लघु उद्योग अकेले मतलब एक आजाद तरीके से नहीं काम करते, ये बड़े कंपनियों से भी जुड़े रहते हैं, बड़े कंपनियों के सप्लायर रहते हैं, बड़े कंपनियों से चीजें खरीदते हैं, तो उनसे भी बड़ी कंपनियों पे असर पड़ता है, बैंकों पे असर पड़ता है। तो ये दूसरे चोट से भी, मार से भी हमारी आर्थिक अवस्था में गिरावट आई। उसके बाद आ गया सबसे भारी चोट जो कोरोना का था। अब कोविड जो आया तो समझिए कि एक मशीन चल रही है, आपने एक बैक उसको बंद कर दिया, और जब बंद होता है तो उसकी नतीजे निकलते हैं, सारी गतिविधियां बंद हो गई। तो मैं कहता सोचता हूं कि तीन मुख्य कारण हैं जो जिस हालात पे हम लोग पहुंचे हैं, नोटबंदी, जीएसटी का सही लागू नहीं होना, और अंत में जाके कोरोना। वर्ल्ड बैंक का ये कभी एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक दबाव रहा है, आप लंबे समय तक वहां पे काम किए हैं। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर खिस्तान चलता रहा, उसमें एक जीएसटी भी इशूज था, नोटबंदी जैसी जो पॉलिसी है ये भी एक वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा ही है, वो भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में वो काम करते हैं। तो जो जिन चीज़ों को लेकर मनमोहन सिंह वो भी वर्ल्ड बैंक से आए थे, उन चीज़ों को उस पॉलिटिक्स को समझते थे, तो क्या वाकई में ये सच्चाई है कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हम यह देश मोहरा बन गया, जिन चीज़ों को पहले लोग अपने तरीके से चीज़ों को उस समझदारी के साथ कि भाई सामने वाला समझे भी नहीं और हम हाँ कर रहे हैं, आगे को उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, कहीं उस दबाव में एक मजबूत प्रधानमंत्री जो दिखाने की कोशिश हो रही है वो उस पॉलिटिक्स उस जो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी वो नहीं समझ सके। इसमें 2-3 सवाल है आपके सवाल में और बहुत ही गहरे सवाल है। पहला तो कोई भी संगठन होता है राष्ट्र में, देश में या अंतर्राष्ट्र में, राजनीति दूर नहीं रहती है, क्योंकि उसमें अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व तो होता है, और जब देशों का प्रतिनिधित्व तो होता है तो उनकी अपनी नीति हित क्या है ये सारे वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक हो या मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं, दोनों को साथ देखते हैं लोग, इसमें भी जिस तरह से शेयर होल्डिंग है कि कौन कितना निवेश किया है उसमें, उससे पॉलिटिक्स है। अमेरिका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और ये गलत नहीं होगा कहने के लिए कि सबसे ज्यादा प्रभाव उस ऐसे संगठनों में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों का है। और इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है कि ये सब बने थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय जो विश्व युद्ध जब खत्म हो रहा था, तो एक नया ढांचा बन रहा था, आर्थिक ढांचा संसार का। तो उसमें जो विजयी देश थे, जो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, इन लोगों का बोलबाला ज्यादा था, इसलिए प्रभाव था। तो ये है। इस कहने के बाद हम ये भी कहेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक एक बैंक है, और बैंक में दो पार्टी होते हैं, एक पैसा देने वाला और एक पैसा लेने वाला, और बहुत से पैसा लेने वाले भी बहुत मजबूत होते हैं। खास करके आप देखिएगा जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका उतना ही बोलबाला होता है जितना बैंक वालों का होता है। तो अगर विश्व बैंक के संदर्भ में इस सवाल को आप जवाब दीजिएगा, तो बड़े क्लाइंट कौन है उनके, कस्टमर ग्राहक कौन है वर्ल्ड बैंक के? चीन था, भारत था, नाइजीरिया था अफ्रीका में, अब जब रशिया सोवियत रशिया खत्म हुआ तो रशिया था। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई प्रभाव नहीं है इन संगठनों में, और एक समझिए कि संतुलन के हिसाब से चलता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो विश्व बैंक कहता है भारत जैसे देश,
इसमें जैसे हमने गिनाया बहुत बड़े बड़े देश हैं, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, इनको इतनी आसानी से, भारत है, इनको इतनी आसानी से विश्व बैंक इधर उधर नहीं ढकेल सकता। तो ये दूसरा भाग था आपके। तीसरा भाग था कि क्या ऐसी तो नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार पे और जब मैं था उनके साथ तो ये 90-92-91 जब ये सुधार हो रहा था हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जमाना था, उस टाइम वक्त था, हालात बहुत बुरे थे। वर्ल्ड बैंक और IMF बैंक है तो जो भी ग्राहक को पैसा देता है शर्तें रखता है, तो उस जगह में शर्तों को देखना पड़ता है कि क्या ये शर्तें हमारे हित में है या हित में नहीं है। और आखिर में जाके अगर कोई ऐसी शर्त है जो आपके हित में बिल्कुल नहीं है देश के, तो वहां पे जाके ये समझौता अटक जाता है। मैंने ये सौदा बहुत करीब से देखा है 1990-91-92 का, जब मैं वित्त मंत्रालय में था। मैं डायरेक्टली IMF से जो बोरोइंग होती थी मैं देखता था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। मैं नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा शर्त इन लोगों ने लगाया जो हम लोगों ने समझा कि हम नहीं चाहते हैं और फिर भी हम लोग पे लागू हुआ। हाँ, बहुत सारी बातें थी जो नहीं थी, बहुत सारी बातें थी जो सख्त थी, बहुत सारी बातें थी कि हो सकता है अगर जो पुराने राजनीतिक गण हो उनको नहीं लगती हो, पर उस वक्त की जरूरतों के आधार पे अगर आप इसको तौलिएगा तो एक बैलेंस के हिसाब से मनमोहन सिंह जी ने इन लोगों से साथ समझौता किया था। स्वाभाविक तौर पे विषय ऐसा है और जटिल विषय भी है, कुछ मिनटों में उन चीज़ों को समझा नहीं जा सकता, लेकिन व्यवहारिक चीज़ों पर जिसकी समझदारी हम आप बना सकते हैं उन चीज़ों पर हम समझने की कोशिश करें कि भाई WHO हो, जिसको लेकर अभी हंगामा चला, उसकी बात भी सामने आई कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते को लेकर, चुनाव को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये समझने की जरूरत है। इसी संदर्भ में भारत की इकोनॉमी को लेकर वर्ल्ड बैंक और IMF की जो भूमिका रही है, जो जो चीज़ों को लेकर देश तैयार नहीं था। हम बात आज स्वावलंबी की कर रहे हैं, आज सब तरह की, मतलब अपने आप में आप खड़े होइए, लेकिन गांव के स्ट्रेंथन को लेकर, गांव के डेवलपमेंट को लेकर जो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो का जो कंसेप्ट है या जो चीज़ें सामने आई हैं, आपको क्या लगता है जी, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के शिकार हो गए या फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप उस दौर में, आप सीधे सीधे तौर पर एक ब्यूरोक्रेट के रूप में थे, नोटबंदी का आना, GST आना, सब कुछ चीज़ें दिख रही थी कि भाई आप एकदम आग से खेल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों की पूरी टीम आपके साथ थी कि वो रिस्क आप ले रहे थे। पूरा एक दौर ऐसा लगा कि आप चीज़ें कर रहे हैं तो पॉलिटिकल डिसीजन की तरह, रोजाना नई चीज़ें आ रही हैं, बदलाव कर रहे हैं, और अंत में आप कह रहे हैं कि अब राज्य को कि हम हिस्सा भी देने की स्थिति में, हमें GST आ ही नहीं रहा। तो ये इस फैसले के पीछे विश्व बिरादरी का कितना प्रभाव रहा, या फिर हमने ये एक जज्बात के रूप में कि चलिए देश के सामने हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इमेज बना रहे हैं तो हमने ये कार्रवाई की है, आपको क्या लगता है? आपका सवाल जो अभी 2016 जो नोटबंदी हुआ उसके संदर्भ में, GST के भी संदर्भ, GST भी उसके संदर्भ नहीं, हम मेरा मानना है कि विश्व का प्रभाव बिल्कुल नहीं था नोटबंदी पे, क्योंकि विश्व बैंक या IMF ऐसे जो समझिए कि एक क्रांतिकारी नोटबंदी कि आप एक सुबह उठिए और 85% आपका जो नगद है आपके आर्थिक व्यवस्था में उसको खत्म कर दे, कभी नहीं कहता है। और ऐसी तुलना जो हमारे यहाँ हुई ऐसे देशों के साथ होती है जिनको समझिए कि एक किनारे हैं अच्छी नीति से, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जिसपे अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था समझते हैं उनकी नजरों में वो कहा जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं। मतलब एक जो आज की इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पॉलिसी में भी इस तरह का निर्णय को आत्मघाती माना जाता है, क्या आपको लगता है सर? मैं मानता हूं कि बिल्कुल आत्मघाती है, और रहस्य ये है, और जिसने ये फैसला किया उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए देश को कि क्यों किया,
उन लोगों ने हर एक हफ्ते पे कारण उसका बदला, पहले का काला धन रोकना है, फिर का कश्मीर में टेररिज्म रोकना है, फिर का डिजिटाइजेशन करना है, तो ये एक बताएं तो, और उसका परिणाम क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला। तो मैं समझता हूं कि ये सेल्फ इम्पोज आत्मघातक का ये काम था। अच्छा, अभी कुछ अभी भी स्थिति है कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके? आपके पास कुछ अगर इस तरह का विकल्प आपकी नजरों में हो? विकल्प तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है इतने संकट से गुजर रही है, हम लोग सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं जीडीपी -24, पर उस आंकड़े के पीछे हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनकी नौकरियां हैं, उनके आय हैं, उनके बच्चों की शिक्षा है, उनके परिवार का स्वास्थ्य है। अब तो इसलिए हल तो निकालना है। 2-3 दिन पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक संस्था है बंबई में जिसके बहुत जाने माने एक अर्थशास्त्री हैं व्यास जी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अप्रैल से लेके अगस्त के आखिर तक 2.1 करोड़ सफेद पोष नौकरियां चली गई हैं, सैलरी नौकरी। हम वो भूमिहीन कृषक की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रवासी मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्यम वर्गों के लोगों के बारे में कह रहे हैं। और अगर मध्यम सैलरी क्लास में अगर 2.1 करोड़ नौकरी चली गई है, तो समझिए कि चोट असंगठित क्षेत्र में, गरीबों में, प्रवासी मजदूरों में कितना गहरा होगा। पर सवाल आपका था कि हम लोग यहां से निकले कैसे। मैं खुद सोचता हूं कि इसको दो भाग में हम लोग को देखना चाहिए कि अल्प अवधि में हम लोग क्या करें, जो इतना मार पड़ रहा है उस चोट को हम लोग कम कैसे करें, और दूसरे भाग में हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग मध्यम अवधि में या आगे चल के अपने अर्थव्यवस्था को फिर ऊपर कैसे ले जाएं, खास करके बिहार जैसे राज्यों में कैसे ऊपर ले जाएं, क्योंकि जो जो कठिनाइयां या कष्ट हमने गिनाया आपको, समझिए उसका 1.5 गुना असर बिहार में पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतने गरीब राज्य हैं, यहाँ इतने प्रवासी मजदूर हैं वगैरह वगैरह। अल्प अवधि में सरकार खर्च, उसको कहते हैं फिस्कल मैनेजमेंट, कि राजकोष से हम लोग का खर्च बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था ऐसे खराब हुई है क्योंकि यहां से मांग खत्म हो जाए, मांग खत्म, डिमांड इसलिए कम हुआ है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, आय नहीं है। जो प्रवासी मजदूर पैसा भेजता था वो नहीं बेच पा रहा है, जिसकी नौकरियां चली गई वो नहीं बेच पा रहा, तो हम लोगों के पॉकेट में फिर कैसे पैसा डाल सकते हैं कि डिमांड फिर से बढ़े। तो बहुत जो गरीब तबका है उसके लिए तो आपको इनकम ट्रांसफर करना होगा जनधन वगैरह, उसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे आपको, अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण के काम आपको युद्ध स्तर पे करना होगा। आप सरकारी बिल्डिंगें बनवाइए, रोड बनवाइए। मैं चंपारण का रहने वाला हूं, वहां पे आजकल एक नेपाल बॉर्डर पे इंडो नेपाल बॉर्डर रोड बन रहा है। हम क्यों नहीं इस सड़क को युद्ध स्तर पे बनाएं? कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लोग राजमिस्त्री बहाल होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, गाड़ियां लगेंगी, लोगों के पास आमदनी आएगी। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण का काम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, फिस्कल एक्सपेंशन करके। लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, अगर आपके पास वक्त या अगले गपशप में इसके बारे में बात सकेंगे, बहुत तफसील से बात करनी होगी। मध्यम अवधि में मैं समझता हूं कि 2-3 चीजों की जरूरी है, और मैं ज्यादा बिहार पे केंद्रित आपको बोलूंगा। एक तो है कि जो निवेश हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, उसका दर बहुत घट गया है, तो निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है? निवेश बढ़ता है कि नए निवेशक बाहर से आए, नए निवेशक आपके घर के हो, और वो निवेश का पैसा लाए और बैंक के तरफ से ऋण का पैसा आए। तो इन तीनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। जो बाहर का निवेशक है उसका जो, उसकी जो धारणा है कि अभी भारत में क्या माहौल है, आर्थिक माहौल है कोई खास अच्छी नहीं है, वो बदलना होगा। जो हमारे देश वाले भी जो निवेशक हैं वो इंतजार कर रहे हैं
कि अगर सरकार फिस्कल एक्सपेंशन से कुछ मांग बढ़ाएगी तभी ना हम टूथपेस्ट बनाएंगे कि बिकेगा, नहीं तो अभी हम कुछ सामान बना दे नहीं बिके तो क्या कह सकते हैं। और बैंक रुके हुए हैं अपने को कि बैंक को भी बहुत चोट लगा है और वो समझते हैं कि अगर हम और ज्यादा ऋण देंगे तो ये सब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे, तो वो भी रुके हुए। तो इन तीनों चीजों पे हम लोग को काम करना होगा। बिहार में खास करके मैं तो समझता हूँ रोजगारी का मामला हो या अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करना हो, नए तरीके से सोच के उद्योगीकरण के बारे में हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है।